ओ शिट ये क्या हो रहा है, बीप बीप क्यों कर रहा है, ओ शिट ये देखिए गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है, ओ शिट गियर नहीं डल रहा है, क्या करें अभी। हे भगवान, ऑटोमेटिक गाड़ी क्यों ले ली। मैनुअल का मजा सिर्फ मैनुअल में आता है, वो जो गियर शिफ्ट करने वाली फीलिंग होती है ना वो इसके अंदर नहीं है। क्या इन्हीं सब रीजंस की वजह से आप ऑटोमेटिक गाड़ी को पसंद नहीं करते। ऑटोमेटिक काफी सारे टाइप की होती हैं, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, टॉर्क कन्वर्टर, डीसीटी, सीवीटी, मतलब इतने सारे ऑटोमेटिक होते हैं, उनमें से आपको एक भी पसंद नहीं आता क्योंकि जो मैनुअल गाड़ी कर सकती है वो ऑटोमेटिक नहीं कर सकती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके जो मिथ हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में उन सबको दूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैनुअल गाड़ी सब फील करा सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह, आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारी टाटा नेक्सॉन को 1.5 साल हो चुका है, इसके अंदर ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है जिसको हमने लद्दाख में चलाया है, भुज की गर्म गर्म हवाओं के अंदर चलाया है, जैसलमेर में चलाया है, तो 5-5 लोगों को बिठा कर पूरी गाड़ी को लोड करके चलाया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑटोमेटिक गाड़ी पहाड़ में नहीं जा सकती या फिर रेगिस्तान का टेम्परेचर नहीं झेल सकती। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहली चीज है वो लोग बोलते हैं कि गाड़ी जो है पहाड़ों के ऊपर चल नहीं सकती क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है और पहाड़ में चढ़ते टाइम पे गाड़ी बैक मारेगी। आपके इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है टू पैंथर, उसके ऊपर हमारी लद्दाख की सीरीज चल रही है और लद्दाख के अंदर मैं यही सेम गाड़ी लेके गया था, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT वाली गाड़ी लेके गया था। और भाई साहब गाड़ी ने क्या परफॉर्म किया था, मतलब पहाड़ हो चाहे निचाई हो कुछ भी हो, कहीं पर भी इंजन ओवरहीट नहीं हुआ, कहीं पर भी जो गियर बॉक्स है वो ओवरहीट नहीं हुआ। और जहां पर मुझे लगा कि एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है या फिर मेरे को गियर लॉक करना है, लॉक मतलब कि मैं चाहता नहीं कि गाड़ी ऑटोमेटिकली गियर को चेंज करे, वहां पर मैंने गाड़ी को ऑटोमेटिक में लगाकर या मैनुअल में शिफ्ट किया। मैनुअल में आते ही गाड़ी उस गियर को लॉक कर देगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी लेकिन नीचे जा सकती है क्योंकि स्पीड कम होती है, गियर को डाउन करना जरूरी है। आपका जो पहला मिथ है कि गाड़ी पहाड़ों में नहीं जा सकती, लद्दाख जैसे जगह पे जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वहां पर भी इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरी जो टू पैंथर पे वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, जरूर चेकआउट करना। दूसरा जो चीज है, लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी जो है वो जर्की है। जी हाँ, मैं बोलता हूँ कि ये ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, वो जर्की जरूर है। गियर जब चेंज होगा तो आपको झटका फील होगा। मैं बता देता हूँ कि आपको किस गाड़ी के अंदर झटका फील नहीं होने वाला। टॉर्क कन्वर्टर के अंदर आपको झटका बिल्कुल फील नहीं होगा, डीसीटी के अंदर आपको झटका बिल्कुल फील नहीं होगा, सीवीटी के अंदर आपको झटका बिल्कुल फील नहीं होगा, आपको सिर्फ फील होगा AMT वेरिएंट के अंदर। इस गाड़ी के अंदर AMT है और झटका इतना फील होता है कि जैसे आप गियर चेंज करते हैं क्लच दबा के, जब आपको गियर चेंज करने का जितना टाइम मिलता है और जितना आपको वो लैग फील होता है सिर्फ उतना ही झटका आपको फील होने वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है और 1-2 हफ्ते चलाने के बाद आप यूज टू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी का जो गियर है वो कब चेंज होता है, उसमें पता भी नहीं चलेगा। जो लोग सिटी में रहते हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है। एक IMT भी आता है Hyundai कंपनी का, वो भी सेम AMT की तरह ही काम करता है, बस फर्क ये है कि यहां पर जो है गाड़ी गियर चेंज करती है, वहां पर आपको मैन्युअली चेंज करना है, लेकिन जो RPM है, जो स्पीड है, वो दोनों की सेम रहेगी। स्पीड अगर कम है फर्स्ट गियर के अंदर और आप चाहते हैं कि सेकंड गियर के अंदर आप IMT के अंदर शिफ्ट कर दें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी चेंज होगा। ये नहीं सोचना कि आपका IMT के अंदर आप मर्जी से गियर शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गाड़ी का जो AMT गियर बॉक्स है वो हाई मेंटेनेंस वाला होता है। हाई मेंटेनेंस किस टाइप में बोलते हैं, मतलब कितना ज्यादा हो जाएगा? इसको मेरे को 2 साल होने वाले हैं, मतलब 1.7 ईयर्स हो चुके हैं इस गाड़ी को, तो इस गाड़ी में मुझे आज तक गियर बॉक्स के अंदर एक भी खर्चा नहीं हुआ क्योंकि 2 साल की इसकी वारंटी होती है, कहीं पर भी इसको गियर बॉक्स खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको खर्चा पड़ेगा, बताया था आपको, DCT और CVT के अंदर आपको खर्चा ज्यादा पड़ने वाला है। वहां पर आप अगर AMC लेते हुए चलेंगे तो आपको वो खर्चा भी कम हो जाएगा, साथ में अगर आप इसको रेगुलरली मेंटेन करेंगे, सही तरीके से चलाएंगे, मतलब अगर आप ब्रेक को लेफ्ट फुट से ना दबा के राइट फुट से ही दबाएंगे तो आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और आप हाई RPM पे नहीं गाड़ी चला के लोअर RPM पे गियर को शिफ्ट होने देंगे, आराम से चलाएंगे, भगाएंगे नहीं, तो आपके गियर बॉक्स को कुछ भी नहीं होने वाला। याद रखिए AMT इज फॉर कन्वीनियंस, नॉट फॉर स्पोर्टीनेस। स्पोर्टीनेस आपको जाना है तो मैनुअल ट्रांसमिशन में जाइए। अगली जो चीज़ लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि गाड़ी रिलायबल नहीं होती ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर, कभी बंद हो जाएगी, कभी भी ओवरहीट हो जाएगी। तो भाई साहब मैं बता देता हूँ, लद्दाख जैसी जगह पे जाके आ चुका हूँ, जैसलमेर जैसी जगह पे जाकर आ चुका हूँ, कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई मुझे। इसने माइलेज 21 किलोमीटर पर लीटर की जैसलमेर से जब हम अमृतसर आ रहे थे तब की, और जो लद्दाख रीजन है उसमें मुझे माइलेज मिली थी 14 किलोमीटर पर लीटर की, उसके आसपास ही मिली थी। तो रिलायबिलिटी का तो कोई इशू है नहीं,
हाँ, अगर आप ओवरहीट करें गाड़ी को तो उसका कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोगों की आदत होती है कि इस गाड़ी जब सिग्नल पे खड़ी होती है तो जैसे सिग्नल छूटता है तो एकदम से एक्सीलरेटर देंगे, जूम करके एक्सीलरेटर देंगे, वो गाड़ी को भगा देंगे। ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर ये पॉसिबल है, लेकिन इससे क्या होगा, आपके गियर बॉक्स को नुकसान होता है। AMT गाड़ी के अंदर ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। इसमें स्पोर्ट्स मोड लगा के अगर मैं गियर को ऑटोमेटिक में डाल के भगाऊंगा तो आराम से रॉकेट की तरह उड़ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इससे गियर बॉक्स को नुकसान होता है, क्लच प्लेट को नुकसान होता है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए एक्चुअली में। और जब ट्रैफिक सिग्नल होता है तो वहां पर सामने कोई होगा, साइड से कोई निकल के आ गया, तो थियोरेटिकली भी आपको जंप नहीं मारना चाहिए इतनी हाई स्पीड पे, जितनी हाई स्पीड पे जंप नहीं मारना चाहिए। और आप सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर करेंगे तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए, बट ऑटोमेटिक गाड़ियां कर सकती हैं एक्सेप्ट CVT। CVT में थोड़ा RPM चेंज होने में और स्पीड बनने में टाइम लगता है, लेकिन DCT, IMT, AMT, टॉर्क कन्वर्टर, इनमें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होता। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे AMT वाली तो वहां पर आपको मिल जाएगा बढ़िया आराम से। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें मैंने पर जोर से मैंने एक पिकअप लिया था और आप देख सकते हैं उस वीडियो को। हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि गाड़ी जब चल रही होती है हाई स्पीड के ऊपर, जो ऑटोमेटिक गाड़ी है उसमें अगर हाई स्पीड के ऊपर एकदम सडन ब्रेकिंग मारते हैं तो क्या क्लच प्लेट जलेगी या फिर क्या होगा क्लच का। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ कि इन गाड़ियों को ट्यूनअप कैसे किया जाता है। देखिए, सामने सिर्फ एक्सेलेटर है और ब्रेक है, कोई क्लच नहीं है। तो जब होता क्या, जैसे मैं हाई स्पीड चल रहा हूँ, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, काफ़ी हाई स्पीड चल रहा हूँ, गाड़ी अभी स्टार्ट है नहीं, मैं दिखा देता हूँ। तो हाई स्पीड चल रहा हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ से उठा के सिर्फ इतना सा हल्का सा प्रेस किया तो इसका जो एक्चुएटर है, जो क्लच को मैनेज करता है, जो क्लच को कंट्रोल करता है, वो क्लच को इंगेज कर देगा, यानी कि गाड़ी की जो इंजन की पावर है वो टायर से कट हो चुकी है, अब कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद मैं जितना भी प्रेस करूंगा वो सिर्फ ब्रेक लगाने का काम करेगा, और जैसे जैसे मेरी स्पीड कम होती रहेगी वैसे वैसे जो गियर्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन होते रहेंगे। वो सब कम ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कितनी भी हार्ड ब्रेकिंग मारना, चाहे एकदम 120 से लेके आप जीरो तक ले आना, हार्ड ब्रेकिंग मारने के बाद भी गाड़ी बंद नहीं होगी। वो जो फिफ्थ सिक्स्थ गियर पे आप चल रहे होंगे वो सीधा फर्स्ट गियर पे आ जाएगा, वो बिना किसी दिक्कत के आएगा। और मान लीजिए आपने पूरा ब्रेकिंग भी नहीं किया, आपने 110 से लेके 60 तक की ब्रेकिंग की, तो ये क्या करेगा, सिक्स्थ गियर से लेके थर्ड गियर पे ला के रोक देगा। वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या है और इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन बता देता हूँ कि गाड़ी क्या करती है, वो भी चेक करती है कि आपका जो एंगल है, चढ़ रहे हैं या फिर डाउन हिल जा रहे हैं, उसके हिसाब से गियर्स को कंट्रोल करती है। आपको बस क्या करना है, एक्सेलेरेटर ब्रेक, एक्सेलेरेटर ब्रेक, एक्सेलेरेटर ब्रेक, बस यही खेलना है और कुछ करने का ही नहीं है। हमारे एक और सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ा था कि उनके पास भी टाटा नेक्सॉन AMT वेरिएंट है। अब वो है पहाड़ों में रहने वाले, वहां से जब डाउनहिल जाते हैं तो एक स्टीप डाउनहिल आया था, उनके पास दो आए थे स्टीप डाउनहिल। उसमें क्या हुआ कि गाड़ी का जो RPM है वो 2000, 3000, 4000 RPM तक पहुंच गया, लेकिन गाड़ी ने गियर चेंज नहीं किया, वो फर्स्ट गियर पे चलती रही। अब ऐसा होता है कि अगर हायर RPM पे गाड़ी चल रही हो तो गाड़ी का इंजन बहुत ज्यादा आवाज करता है, और ऐसी आवाज के अंदर इंसान डर जाता है कि गाड़ी का इंजन इतनी आवाज क्यों कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको करना क्या चाहिए, एक्चुअली ऐसा होता है क्यों, मैं बता देता हूँ कि मैं जो फ्यूल कंजप्शन है वो नहीं हो रहा होता उस टाइम पे, गाड़ी की जो डाउनहिल की ग्रेविटी है उसकी वजह से गाड़ी का जो इंजन है, इंजन ब्रेकिंग करने की कोशिश करता रहता है और गियर को अप नहीं करेगा। गाड़ी का ECU जानता है कि गाड़ी का जैसे गियर अप करेगा गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाएगी और गाड़ी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, इसलिए वो फर्स्ट गियर के अंदर गाड़ी को रखेगा और उसके थ्रू ही गाड़ी को ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा। अगर आपको लगता है कि इंजन में आवाज़ ज़्यादा आ रही है, आपको गियर अप करने, हर गाड़ी के अंदर एक मैनुअल गियर बॉक्स होता है, तो मैनुअल पे जाना है। जैसे आप मैनुअल पे जाएंगे तो वो फर्स्ट गियर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट गियर के ऊपर शिफ्ट होने के बाद आपको अप करना है, तो जिससे होगा क्या, वो सेकंड गियर पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप हल्की हल्की ब्रेकिंग लगा के गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं करना तो आपको क्या करना है, हल्का सा एक्सेलेरेटर देना है तो गाड़ी को लगेगा कि आपने एक्सेलेरेटर दिया, आपको स्पीड बढ़ानी है तो गियर ऑटोमेटिकली अप कर देगी। तो अगर आप अगली बार डाउनहिल पे जाएं ऑटोमेटिक गाड़ियों के साथ और आपकी जो गियर है वो लिमिट किया हुआ गाड़ी ने खुद ही कि फर्स्ट गियर के ऊपर जाएगी नहीं गाड़ी, तो आपको यही दो तरीके अपनाने, या तो मैनुअल पे ले जाइए या फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर दीजिए जिससे गाड़ी को लगे कि आपको स्पीड बढ़ानी है तो ऑटोमेटिकली आपका गियर अप कर देगी, उसके बाद ब्रेकिंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और मिथ है जो ऑटोमेटिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी लेंगे सिटी के अंदर ऑटोमेटिक चलाएंगे, लेकिन जैसे ही हमको मैनुअल गियर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको मैनुअल पे शिफ्ट करके गाड़ी के मैनुअल गियर का मजा लेंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, आप कर भी नहीं पाएंगे। होगा क्या कि जैसे जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है उसमें होता क्या है कि एक स्पीड लिमिटर टाइप का एक चीज़ होती है, स्पीड मतलब कुछ भी समझ लीजिए, वो एक पर्टिकुलर स्पीड या फिर पर्टिकुलर RPM जाने के बाद ही गियर को शिफ्ट करता है।
चाहे वो ऑटोमेटिक के अंदर हो चाहे वो मैनुअल के अंदर हो। ऑटोमेटिक में क्या होगा, गाड़ी खुद ब खुद गियर शिफ्ट करेगी। अब मैनुअल के अंदर जाके गियर शिफ्ट करेंगे तब भी गाड़ी उसी स्पीड और उसी आरपीएम के बाद ही गियर को शिफ्ट करने देगी आपको, उससे पहले आपको गियर शिफ्ट नहीं करने देगी, अप नहीं करने देगी, डाउन ऑटोमेटिकली खुद ही कर देगी गियर को बचाने के लिए, क्लच प्लेट को बचाने के लिए। तो इस दुविधा मत रहना कि आप मैनुअल में गाड़ी उसी सेम मैनुअल तरीके से चला सकते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। जो आईएमटी गियर बॉक्स होता है उसमें भी सेम होता है। डीसीटी में क्या फर्क होता है, डीसीटी में आप पेडल शिफ्टर होते हैं, तो मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने लोअर आरपीएम के ऊपर गियर शिफ्ट कर दिया, तो वहां पर आपको वो वेट कराएगा कि आपको जब तक स्पीड को बढ़ाएंगे नहीं तब तक वो गियर शिफ्ट नहीं करने वाला। उसमें एक और फायदा रहता है कि उसमें जर्कनेस बिल्कुल भी फील नहीं होता, क्योंकि उसमें दो क्लच प्लेट होती है, ऑड के लिए अलग से क्लच प्लेट होती है, मतलब ऑड गियर्स के लिए अलग से क्लच प्लेट होती है और इवन गियर्स के लिए अलग से क्लच प्लेट होती है, तो वहां पर वो पंगा खत्म हो जाता है। उसके बाद जो सीवीटी होता है उसमें भी यहाँ पर पेडल शिफ्टर होता है, जिसकी वजह से आपको जर्किनेस फील नहीं होता। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते कैसे, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो के बाद आएगी, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। एक और चीज बचती है कि आपको ये देखना है कि एक और मेरे सब्सक्राइबर के बीच में ये दुविधा थी कि वो सोच रहे थे कि जब अपहिल जाते अपहिल में क्या होगा, अपहिल में गाड़ी पीछे आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर क्लच तो है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्लच तो है ही नहीं, हम क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाड़ी क्या करेगी, गाड़ी के अंदर एक क्रॉल फंक्शन होता है। क्रॉल में क्या होगा, गाड़ी जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे, अगर गाड़ी को लगता है कि इंक्लाइन पे खड़ी है, तो गाड़ी खुद ब खुद क्लच को इंगेज करके हल्का सा एक्सेलेटर दे देगी, खुद ही साथ की स्पीड जितना एक्सेलेटर दे देगी, तो गाड़ी को चलाना स्टार्ट करेगी। ये होता है हिल होल्ड फंक्शन, जो हर एक ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अब ये देखिए मेरा जो गैराज है वो थोड़ा सा ऊंचाई में उठा के बनाया गया, अगर मैं इसको पीछे ले जाके न्यूट्रल में छोड़ दूं तो गाड़ी अपने आप बाहर आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स कैसे काम करेगा उसके बारे में दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले हम इसको रिवर्स में पार्क करने वाले, तो रिवर्स में पार्किंग के लिए ये वाला जो डैश कैम है ना बहुत काम आता है। अब आप बोल रहे होंगे नीचे दिखाई नहीं रहा, देखिए ये अभी न्यूट्रल पे खड़ी है, इसको हमने किया आर पे और ये देखिए नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब एग्जैक्टली दिखा रहा है कि मेरी गाड़ी कहाँ टर्न होने वाली है, तो हम इसको सबसे पहले, हाँ ये गाइडलाइंस मुड़ती नहीं है तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है लेकिन गाड़ी मूव कर रही है, अब हमें थोड़ा सा कंट्रोल करके करना पड़ेगा। अब देखिए हम थोड़ी हाइट पे खड़े हैं, अगर मैं गाड़ी को न्यूट्रल कर दूं तो गाड़ी अगली तरफ जाती है, देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हम जो हैं थोड़ी सी हाइट पे खड़े हैं, तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स में जाएंगे और ब्रेक्स को छोड़ दिया। अब देखिए गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है वापस, ब्रेक लगाया, फिर से छोड़ा, गाड़ी आगे गई थोड़ा सा, फिर अपने आप पीछे जाती है। तो गाड़ी ऐसे कंट्रोल करती रहती है स्लोली सो, अब हम जो करेंगे वो थोड़ा सा ब्रेक से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यही फंडा होता है गाड़ी का, हिल होल्ड जो फंक्शन होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और जैसे हमको लगा पावर की थोड़ी कमी है, हमने एक्सीलेटर दिया, और यहां पर हमने गाड़ी को चढ़ा दिया पूरा। तो ये अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल है, नहीं तो यहां पर हम क्या करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम से पार्क कर पाते हैं। और ये देखिए सेंसर और इसने मिलके क्या कॉम्बिनेशन बनाया है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर वहाँ गाड़ी में बहुत सारी एसेसरीज लगी हुई है, उसके बारे में हम कभी फिर वीडियो बनाएंगे। ये हो गया हमारी गाड़ी पार्क। तो ये चीज़ होती है बहुत बड़ी चीज़ लगी मेरे को कि जो हिल होल्ड फंक्शन होता है वो गाड़ी को खुद ही उठाने की कोशिश करता है। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, इसके बारे में कोई और भी डाउट आपको लगता है कि ये भी चीज़ कवर करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।